इधर रखो इधर रखो हेलो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं आज, तो बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो मिलने वाली है। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं शंकर पाड़े। तो शंकर पाड़े की रेसिपी की जो सामग्री है उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे दादा? चलो जाओ। गाइस हम ये वाटी को शंकर पाड़े बनाने के लिए यूज करेंगे एज ए मेजरमेंट। कब हम इसको यूज करेंगे? चार वाटी में मैदा इसमें मेजर करके इसमें ले लूंगा। चार वाटी लेना है हमको। चार वाटी से कम ही मेरे पास मैदा है तो इतना मैं ले लेता हूं। 3 कप हो गए वैसे। इसमें थोड़ा नमक हम डालेंगे तो 1.5 वाटी। मैंने इसी मेजरमेंट करके इसको 1.5 वाटी ले लिया है। 1.5 वाटी को मैंने गर्म कर लिया है। ये घी है मेरे पास, घी को मैं इसमें डालता हूं। मेरे पास शक्कर है, इसका मैंने पाउडर बना लिया है तो इसमें मैं 1 कप डाल दूंगा। अब हम इसमें दूध डालेंगे। इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट करने देते हैं। तो गाइस इसको अभी आधा घंटा हो गया है रेस्ट करते हुए, तो इसको अभी मैं ये मुश्किल से ठोक लेता हूँ थोड़ा, ताकि हमको शंकर पाड़े में अच्छी लेयर मिले। अभी हमने इसकी एक मोटी चपाती बना ली है तो अभी इसको हम स्क्वायर शेप में कट करेंगे। जैसे स्क्वायर शेप में हमने इसको कट कर लिया है और इसकी विड्थ इतनी है तो शंकर पाड़े के लिए ये शेप सही है। ऐसे ही सब हम कट कर लेंगे। हमने इसको कट कर लिया।
गया है, तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये घी को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पे, तो एक एक बैच को हम फ्राई करते हैं। सबसे पहले तो गाइस ऐसे हमारे शंकरपाड़े फ्राई हो गए। बैच हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। हमारे शंकरपाड़े पूरे फ्राई करके हो गए हैं, इतने सारे शंकरपाड़े हमारे बने हैं। तो अभी मैं आपको एक टेस्ट करके बताता हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं, इनको अच्छे से लेयर भी आई है, ऐसे लेयर निकले हैं हर शंकरपाड़े को। तो मैं आपको खाकर दिखाता हूँ। साउंड से तो आप समझ गए होंगे कि कितने क्रिस्पी बने हैं।